5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, इस मौके पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सभी लोग अपने स्तर से काम करते हैं। मुरादाबाद के वरिष्ठ फोटोग्राफर AR रहमान ने अपने चित्र के साथ सभी को पर्यावरण के प्रति संदेश देने का प्रयास किया है। AR रहमान का ये कहना है कि मैं लगातार पशु पक्षियों के फोटो खींचने के साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे चित्र खींचता हूँ जिससे समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी किया जाए। साथ ही उनका ये कहना है कि मेरा उद्देश्य यही है कि सभी लोग जागरूक हों और इस नेचुरल जो चीजें हैं उनको बढ़ावा मिले और सभी लोग इसका पालन भी करें। मुरादाबाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। इसकी स्थापना सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। मुरादाबाद के AR रहमान, जो कि एक जर्नलिस्ट एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हर तस्वीर में एक संदेश छिपा है कि आज के इस प्रदूषण और दौड़ भाग वाले दौर में पर्यावरण कितना जरूरी है और इसको बचाना हम सबकी मूल जिम्मेदारी है। आज जंगलों को काटकर वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जिससे जंगलों की हरी भरी दुनिया तो समाप्त हो ही रही है, साथ ही साथ वन्य जीवों का अस्तित्व भी दांव पर लगा हुआ है। AR रहमान और उनकी पत्नी तबस्सुम जहां टीम, जिसमें जाफर खान, अब्दुल रहीम, शाहिद हुसैन, जैनब खान, शहजाद खान आदि सभी पर्यावरण को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं तथा आज के इस कोरोना काल में पर्यावरण का कितना महत्व है लोगों को समझा रहे हैं, कैसे अपने आसपास साफ सफाई रखी जाए, नदियों का कटान रोका जाए, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा की जाए, अपने आसपास पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। अगर हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे? आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण विश्व में वन्य जीवों की असंख्य प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। हमें अपने बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी पर्यावरण की रक्षा एवं उसका महत्व समझ सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर स्कूल कॉलेज में पर्यावरण पर प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को जागरूक करना सबसे अच्छा स्रोत है। पर्यावरण दिवस विश्व के 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNEP द्वारा आयोजित किया जाता है।